हेलो एवरीवन, सबसे पहले बताइए आप सब कैसे हैं। सो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय सेकंड व्लॉग। तो सब आप कैसे हो जल्दी से कमेंट में बताइए। तो टाइम देख सकते हो यार, 10 बज गए हैं और कल से मेरी कोचिंग स्टार्ट होने वाली है और ये आज का व्लॉग होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं पूरा कवर करूंगा व्लॉग में कि मैंने क्या क्या किया, फुल डे रूटीन कैसा था मेरा। तो सबसे पहले हम उठे हैं और उठते ही हम सबसे पहले अपने टैब को चार्जिंग पर लगाएंगे क्योंकि उसमें बैटरी कम थी, तो उसे लगाना पड़ेगा चार्जिंग पर ताकि वो फुल डे में मेरा चल पाए। उसके बाद हम भरपूर पानी पियेंगे क्योंकि हमें अपनी हेल्थ पर भी फोकस करना है पढ़ाई के साथ साथ। तो मैंने मतलब हाफ बोतल पानी पिया था और उसके बाद मैं चला गया अपनी बालकनी पर। तो गाइस देख सकते हो मैं बालकनी पर आ गया हूँ और मैं यहाँ पर थोड़ा सा वॉक करूँगा और वॉकिंग करने के लिए मेरा स्पेस बहुत कम है, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत ही इस तरीके से मैं चल लेता हूँ। तो गाइस आप भी करिएगा वॉक ज़रूर पढ़ाई के साथ, मतलब आप स्टडी तो करते ही हो पूरे डे में, वॉक भी करना ज़रूरी है यार। उसके बाद ब्रश कर लेते हैं और ब्रश देख सकते हो मैंने कितना गंदा मुँह करा हुआ है अपना ब्रश करने में। उसके बाद चलिए मेरे साथ अब हम चलेंगे नहाने के लिए। मैं सबसे पहले सुबह उठते ही नहा लेता हूँ, अगर मैं सुबह उठकर नहाया नहीं हूँ तो समझ लो मैं उस दिन नहाऊंगा ही नहीं, क्योंकि अगर मैं सुबह नहा लिया तो मेरा काम निमट जाता है वरना फुल डे में ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है। और अब आ गया लाइफ का सबसे बिगेस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट, कपड़े चूज़ करना। भाई मुझसे कपड़े चूज़ जल्दी से नहीं होते। उसके बाद हम चले गए अपने खाने पर और मैंने खाने में लिया था आज पनीर का पराठा विद बटर राजमा। और वहाँ पर मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, ये थी फिरनी। आपने फिरनी खाई है? अगर खाई है तो मुझे कमेंट करना और मैं इसको ले आया। और ये जो कटोरी थी, एक पूरा बाउल था, ये 30 रुपये का मुझे मिला और मैं तो लेकर आ गया इसको और मैं चलो इन्जॉय करता हूँ ये फिरनी। और इसका टेस्ट यार नेक्स्ट लेवल था, मतलब कि मज़ा ही आ गया खा के। ऐसे बोलता है ना कुछ चीज़ को, मज़ा ही आ गया खा के, कुछ ऐसा टेस्ट था इसका। और अब हम स्टडी स्टार्ट कर लेते हैं अपनी। सबसे पहले मैंने क्या किया, प्लांट किंगडम किया। और प्लांट किंगडम वाली जो यूनिट है, एनिमल किंगडम आता है जिसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आता है, वो पूरी यूनिट मैंने एनसीईआरटी से कवर अप की। उसके बाद मैंने ना प्लांट फिजियोलॉजी करी एनसीईआरटी से ही और मैंने कुछ क्वेश्चन भी लगाए जो कि आकांक्षा अग्रवाल मैम है ना यूट्यूब पे, देखो मैंने आगे क्लिप डाली हुई है दिखाऊंगा मैं, तो मैंने उनके क्वेश्चन भी लगाए। मैं उन्हीं के साथ जनरली क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, वो अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हैं आजकल मतलब मेरी फेवरेट होते जा रहे हैं वो। तो उसके बाद मैं ऐसे ही पढ़ रहा था, क्या बोला मैंने, प्लांट फिजियोलॉजी को मैंने कंप्लीट किया और मैंने एनिमल किंगडम वाली जो फर्स्ट यूनिट है हमारी 11th क्लास में, उसको भी पूरी तरीके से कवर किया एनसीईआरटी से। और हाँ, आपने वो देखा महा रिविज़न जो आया है एमआर सर का, मैंने वो भी आज थोड़ा बहुत कवर किया था, यानी कि मैंने 1 घंटे और 2 घंटे के बीच में क्लास की थी, यानी 1.5 घंटे की क्लास वो की थी जिसमें 11th क्लास का महा रिविज़न कराया हुआ है सर ने, तो वो कवर किया मैंने। और बैठे बैठे मेरे बैक पेन होने लगा यार, फिर मुझे लेट के पढ़ना पड़ा। तो फिर मैं आ गया अपने बेड पर और मैं बेड पर लेट कर ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। जनरली आपको दिखाऊँगा मैं कि कौन से वाले क्वेश्चन है वो। और मुझको आवाज़ आती है तभी बाहर से कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है यार, मतलब यहाँ तो हम हॉस्टल में, अगर मैं घर पर होता ज़रूर नहा लेता मैं बारिश में, लेकिन हॉस्टल में यहाँ नहा नहीं सकते हम, टेरिस भी पर भी नहीं जा सकते, टेरिस पर जाना मना है हमको, तो इसलिए बालकनी से ही हम बारिश इन्जॉय करते हैं। यार अगर हम घर होते तो अभी तक पकौड़े चाय हमारी बन चुकी होती यार, मेरा रोने का मन कर रहा था आज तो। उसके बाद यार बारिश काफ़ी टाइम तक आई, मतलब इतनी घर पर आती तो मज़ा ही आ जाता नहाने में। और देखो ये है वो मैम आकांक्षा मैम, मैंने छोटी सी क्लिप डाली हुई है आप देख लो, ये इस तरीके से क्वेश्चन कराती है और मैं इनको सॉल्व करता हूँ, देन मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, सॉल्व करता हूँ और आंसर अपने मन में सोचता हूँ, देन मैम उसका आंसर सही तरीके से बताती है। देखो ये थ्री वाला क्वेश्चन है, ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ रिजिड वॉल, तो इस तरीके से आप अदर्शन रीज़न कीजिए इनके साथ और मज़ा आएगा। अब बचे थे रात के 10 बजने ही वाले थे, 9 बजे का टाइम हो रहा था। मैंने ना चिली पटेटो बाहर से ही लिया था अपने यहाँ से और चिली पटेटो इन्जॉय किया मैंने, और ये जो चिली पटेटो बने हुए थे काफ़ी अमेजिंग थे, मतलब जो हमारे यहाँ पर फूड बनता है वो काफ़ी अमेजिंग है। और मैं आने वाले व्लॉग में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि मैं किस जगह पर हूँ, कौन से विद्यापीठ में हूँ, अभी तक आपको नहीं पता होगा ना, वैसे आप गेस कर सकते हो कमेंट में, देखते हैं किसका सही है आंसर। थोड़ी बहुत तो आपने जगह देखी होगी मेरे व्लॉग में कहाँ की जगह है, कौन सा प्लेस है, तो मुझे कमेंट करना, देखते हैं कौन सही बताता है। मैं नेक्स्ट व्लॉग में उसका नाम भी लूँगा जिसने भी सही गेस किया। और ये चिली पटेटो कुछ इस तरह से थे,
चिपचिप में पानी आ चुका है मेरी तो। चलिए मैं चिली पटेटो इन्जॉय करता हूँ। और आप बताइए आपका हाल क्या चल रहा है, स्टडी में अच्छी चल रही है या बैड, जल्दी से कमेंट में बताइए। ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। बाय।